आज हम बनाएंगे बेसन की सब्जी। ये एक डिलीशियस और इजी रेसिपी है। बेसन की सब्जी बनाने के लिए एक कटोरा बेसन ले। इतने बेसन में 4 से 5 लोगों के लिए सब्जी बन जाएगी। अब बेसन में कुछ मसाले ऐड करेंगे। चुटकी भर हल्दी, चुटकी भर हींग, चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर, चुटकी भर जीरा पाउडर, अपने स्वाद के अनुसार अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट भी डालें। इसे मिक्स करें। जिस बोल से हमने बेसन लिया है उसी से 2 बोल पानी लगेगा इस बेसन का घोल रेडी करने के लिए। पहले बेसन में 1/2 बोल पानी डालिए और बेसन को इस तरह से अच्छे से फेंटते रहिए जब तक कि इसमें का लम्स खत्म ना हो जाए और एक स्मूथ बैटर बनकर रेडी ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये बेसन का घोल बिल्कुल स्मूथ है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाइए। नेक्स्ट एक ठंडे कढ़ाई में 1/2 टेबल स्पून सरसों का तेल डालकर इस तरह से स्प्रेड कीजिए और फिर बेसन का घोल डालकर मीडियम आंच पर पकाएं। अगर ये बेसन का घोल कढ़ाई में चिपकने लगे तो फ्लेम को लो कर दीजिए। इसे कंटिन्यूस चलाते हुए पकाइए, अदरवाइज बैटर कढ़ाई में चिपक जाएगा और इसमें लम्स भी बन जाएंगे। सो ये बैटर रेडी हो गया है। हमें ऐसा ही थिक बैटर चाहिए। अब एक प्लेट को उल्टा करके इसे ऑयल से ग्रीस कीजिए और बैटर को इस तरह से स्प्रेड कर दीजिए। 1 घंटे बाद जब ये थोड़ा सूख जाएगा तब इसे हम काट कर बर्फी का शेप देंगे। जब तक ये ठंडा होता है तब तक में हम ग्रेवी के लिए 2 प्याज काट लेते हैं, हरी मिर्च, लहसुन और 1 इंच अदरक को काट कर रेडी कर लेते हैं। 1 घंटा हो चुका है तो अब हम बेसन को कट करेंगे। इसके लिए चाकू पे आप सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल लगाएं, इसके बाद आप बेसन को अपने मनपसंद शेप में कट करें। मैं यहाँ बर्फी के शेप में कट कर रही हूँ, आप चाहे तो स्क्वायर शेप में भी इसे कट कर सकते हैं। नेक्स्ट गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाइए और उसमें सरसों का तेल डालिए। तेल गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें बेसन की बर्फी डाल करके इसे डीप फ्राई करेंगे। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करना है और ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो अब हम इसे निकाल लेंगे और बाकी बर्फियाँ भी हम इसी तरह से डीप फ्राई करके निकाल लेंगे। डीप फ्राई करने के बाद ग्रेवी बनाने के लिए हमें जितने ऑयल की ज़रूरत है उतना हम कढ़ाई में रहने देंगे और एक्सेस ऑयल को निकाल देंगे। अब इसी तेल में कटे हुए हरी मिर्च डालेंगे। 2-4 बार सॉटे करने के बाद इसमें अदरक डालेंगे और थोड़ी देर के बाद लहसुन भी डालेंगे। फ्राई होने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी तेल में कटे हुए प्याज को डालकर फ्राई करें। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये गोल्डन ब्राउन हो गया है तो अब इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब एक बोल में 2 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर लें और इन मसालों में थोड़ा पानी मिला लें। हम प्याज टमाटर की ग्रेवी बना रहे हैं तो इसके लिए हम 1 टमाटर काट लेंगे। अब एक कढ़ाई में 1 से 2 स्पून तेल डालें। तेल गर्म होने पे सरसों का फोरन डालें, फिर इसमें हींग और मसाले डालें।
दो मिनट मसाला फ्राई होने के बाद इसमें टमाटर डालें और उसके थोड़े देर के बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक डालें। अब मसालों को हम थोड़ा फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस मसाले में तेल दिखना शुरू हो गया है, मतलब कि मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 5 बोल पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए। जिस बोल से हमने बेसन लिया था उसी मेजरमेंट से ही हम पानी लेंगे। जब तक ये बॉईल होता है तब तक हम भुने हुए प्याज, लहसुन, मिर्च और अदरक का पेस्ट बनाकर रेडी कर लेते हैं। जब ग्रेवी में उबाल आना शुरू हो जाए तब उसमें ये पेस्ट हम डालेंगे। हमने पेस्ट बना लिया है तो अब इस पेस्ट को इस ग्रेवी में मिला देंगे। इसे कवर करके लगभग 20 मिनट तक ग्रेवी को बॉईल होने दें। 20 मिनट हो चुके हैं, ग्रेवी बॉईल हो गया है और इसके बाद इसमें आप बेसन की बर्फी डालें। बर्फी डालने के बाद जब ग्रेवी में उबाल आए तो आखिरी में गर्म मसाला डालें। तो गर्मा गर्म बेसन की ट्रेडिशनल सब्जी तैयार है। इसे आप चावल या पराठे के साथ खाएं। और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए बेसन की सब्जी कितनी सॉफ्ट बनी है और आ गया ना इसे देखकर आपके मुंह में पानी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।